Before we announce the last finale piece for our closing ceremony, I would just like to take a moment to thank all of you for being here. Your presence has made the other festival very vibrant, and the night is young. I hope you will enjoy the, even after the event is over, enjoy the beautiful Governor House lawns. The food is there, there's great company. So before the evening ends, we would like to call Mr. Shafaat Ali. And Shafaat Ali is a very well-known Pakistani impressionist and comedian who is known for the impressions of Pakistani public figures. Habib Metro has kindly sponsored this piece by Shafaat Ali. Please give a big round of applause for Shafaat Ali. Thank you very much. Audio boys, where are you? Can you please open up the master a little bit? Master, bada de mera, please, sir. Aapko mukhatib hu. Ji, assalamu alaikum. Meri awaaz sunai de rahi hai? Thank you very much. Khaksar ka naam Shafaat Ali. Taluk Peshawar se. Kad 5 foot 11 inch. Rang gora. Madri zuban Farsi. Shanakhti alamat. Koi nahi. Is waqt muqeem hai Karachi mein aur mukhatib hai Aiwan e Sadr Karachi mein. Aaj ke is amazing crowd ke samne ek dafa bharpoor taaliyan apne liye. Aap mein se aksariyat un afraad ki hai jo ke takriban 4:30 baje se faqat is intezar mein hai ke closing session kab hoga. मैं सिद्ध के दिल से बहुत गाजी साहब आपके चिट्टे बालों की कसम झूठ नहीं बोल रहा सिद्ध के दिल से आप सबका मशकूर हूं तहे दिल से आप सबका मेरा दिल तो बस तो नहीं चलता कि आप सबका फर्दन फर्दन आके शुक्रिया अदा करूं इस कदर मोहब्बत मुझे इस शहर ने इन अदबी मेलों ने इन सकाफती मेलों ने दी है कि यकीन करें ना मेरा इतना कद है ना मेरा इतना ना मेरा इतनी हैसियत है और ये बहुत भारी भारी अल्फाज मैं मजीद दो चार इस्तेमाल करके ना आपको शर्मिंदा करना चाहता हूँ ना खुद को बात पे आता हूँ मौजू पे आता हूँ अदबी मेला 2019 आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला अदबी मेला का इनकाद हुआ और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल मकसूद यानी इख्तिताम की जानिब गामजन है बड़ा मज़ा आया दो तीन दिन मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया दबदब पोस्टें आई काफ़ी अच्छा लगा लेकिन इस सारे मेले के दौरान मैं चूँकि खुद ख़बरों के साथ ज़्यादा मुलव्वस था और ख़बरों को देख रहा था तो मुझे ज़रा उस तरफ भी ध्यान रखना था कि वहाँ पर क्या हो रहा है बेशतर इसके कि मैं उस बारे में कुछ बात करूं मैं थोड़ा सा ये भी जिक्र करता चलूंगा कि जैसे मैंने अभी बताया मैं अभी हाल ही में कराची वारद हो गया हूं मैं कराची को मैंने अपना ठिकाना बना लिया और आया हूं मैं लाहौर से ये बड़ा अनोखा सफ़र है कि आप जब लाहौर से होते हैं और अब आप कराची में आ जाते हैं तो कराची बिल्कुल एक मुनफरद शहर है ख़ास तौर पर जब आप किसी से रास्ता पूछें मैं सी व्यू जा रहा था मैंने एक साहब से रोका मैंने कहा भाईजान सी व्यू जाना है कौन सी रास्ता पकड़ो उसने कहा बाद बांध पर चढ़ जाओ मैंने कहा भाई दुख जाऊंगा उसने कहा अच्छा अगर वो नहीं है तो यहाँ बराबर में मुहाफिज पे चढ़ जाओ तो मैंने कहा भाई वो सामने डाले में दो लोग खड़े हैं बड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले उनको मुझे देखो कोई बनता नहीं है ना तो कोई ऐसा कोई तहजीबी कोई मामला नहीं है आप लोगों का कहने लगे ऐसा है कि ये सड़क ले लें और ये सीधा आपको साहिल तक पहुँचा दे मैंने कहा अब ऐसे बात करें तो ये नो बड़े ऑकवर्ड थोड़ा सा नॉर्मन क्लेचर का ये फ़र्क आता रहता है और अच्छी बात है ये कराची का हुस्न है हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमें कोई ऐसा शहर मिलेगा जहाँ हमें पानी ख़रीद के पीना पड़ेगा ये देखे ना ये कराची का हुस्न है थोड़ा सा इस कराची को मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये है क्या पता चला 1839 में अंग्रेज़ों ने ये कलोड़ों और तारपुलों के दरमियान एक अरसे से एक इस बस्ती के ऊपर लड़ाई चल रही थी उन्होंने उनसे ले लिया फिर उन्होंने उनको अच्छा लगा उन्होंने कहा चलो इसको पोर्ट बनाते हैं पोर्ट बना ली पोर्ट बना के उनको याद आया कि यार यहाँ तो अच्छा भला शहर बनाया जा सकता है तो उन्होंने शहर बनाना शुरू किया फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि यार मलिका बरतानिया अभी तक इंडिया नहीं आई तो मुंबई या दिल्ली या लाहौर वगैरह तो ले जा नहीं सकते तो चलो उसको यहीं से ला के हल्का सा चक्कर दे के वापस भेज देंगे तो उन्होंने एम्प्रेस मार्केट सजाई एम्प्रेस मार्केट को सजा के उन्होंने यूरोप की जितनी मशहूर बिल्डिंग्स थी उस वक्त तक उनका छोटा छोटा रेप्लिका कराची में इस पूरे ये जो पूरी एले बनती है जैनब मार्केट से ले के एम्प्रेस मार्केट तक की इसको उन्होंने सजाया उसमें एम्स्टरडैम की भी दो चार बिल्डिंग्स बनाई कुछ एक आध पेरिस की भी आई कुछ स्पेन की भी आई लेकिन फिर उसके बाद आज़ादी मिल गई तो आज़ादी में फिर हमने कहा भाई अब हम कराची चलाएंगे अपने तरीके से तो हमने कराची को मज़ीद एक्सटेंशन दी हमने सिंधी मुस्लिम बनाए हमने PECHS बनाई हमने शार फैसल बनाई आप चेंज देख रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं हमने अपने तरीके से सजाया इसको और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि शहर अल्हम्दुलिल्लाह इसका 33% हिस्सा अब
डीएचए है. बात छेड़ी दी है तो चले बताते हैं, शुरू कर दें कि 65% इस तक कैंटोनमेंट के पास है. चले जाने दें, अच्छी बात है. शहर ऐसे ही फैलते फैला करते हैं, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाती है. इस शहर की सबसे मुनफरद बात है यहाँ की जबान और यहाँ का मल्टी कल्चरलिज्म. ये शहर बाहें फैला के अपने आने वालों को अपने अंदर समेट लेता है. गरीब परवर शहर है, काम के आदमी की बड़ी वैल्यू है, और जो काम नहीं कर पाते उनके पास सिवाय सियासत में आने के और कोई रास्ता नहीं है इस शहर में. शहर की सियासत गुज़िश्ता 3 साल से किसी मखमसे का शिकार है. फारूक भाई अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ नजर आए थे, अगर वो होते तो उनके साथ तो इस मामले पे कुछ तफरी हो सकती थी. लेकिन 22 अगस्त की एक सुहानी शाम थी कि जब यहाँ नज़दीक ही प्रेस क्लब के पास एक टेलीफोन एक खिताब हो रहा था. अगर आपकी तालियां हो और इजाजत हो, चले ठीक है, आई वुड टेक दैट एज अ यस. एक खिताब हो रहा था और उस खिताब के अंदर चलते एक साहब ने ये हमें दीवार से लगाया जा रहा है. मेरा सवाल है उस जलसे में मौजूद शायद कुछ शुरका यहाँ भी बैठे हों, मेरा सवाल है उस जलसे के शुरका से, कोई कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ होती है. हम जैसा नहीं वो कमज़ोर इंसान कैसे उनको दीवार से लगा सकता है? लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक ये मुमकिन ही नहीं है. तिबियात के कुछ कानून हैं, कुछ ताकत कुछ कुवत चाहिए होती है किसी भारी भरकम जुस्से को साथ हिलाने के लिए. ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है. इस शहर की पॉलिटिक्स में कुछ नए लोग उभरे. हमारे पास बगैर हेलमेट के हार्ली चलाने वाले गवर्नर आए. हमारे पास पुलिस मोबाइल की कयादत में हार्ली चलाने वाले एक वजीरे पानी जखायर आबी जखायर बावड़ा साहब. हमारे पास ये कलेक्शन दुनिया में और कहीं नहीं है. एक हमारे गुलशन से एक साहब जीते हैं, अब्बास जाफरी साहब. अल्लाह की कसम उनको देख के ऐसा लगता है ताजा ताजा गेम ऑफ थ्रोन्स में से उठ के आए हैं. उनको देख के मैंने उस दिन उनके मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा भाई अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स में होते खलीसी खुदा की कसम आपका हक था. ये कराची वालों के खिलाफ साजिश हुई है. अच्छा ये जुमला मैंने कराची आके सीखा है, ये कराची वालों के खिलाफ साजिश है. हमारे कराची इस शहर के, चूंकि अब मैं अपने आप को इस शहर का हिस्सा समझता हूँ, मैं यहाँ की रंग और सकाफत को अपना चुका हूँ, यही इस मुल्क में कामयाबी का राज है. जिधर आ जाओ वहाँ सेट हो जाओ. मैं इस शहर की सकाफत को अब अपना रहा हूँ, बड़ी तेज़ी से मैं इसके रंग में ढलने की कोशिश कर रहा हूँ. इस शहर में एक इलाका आता है बफर जोन. अच्छा ये डिफेंस और क्लिफ्टन वालों को बता दूं, ये पुल के उस तरफ है. डिफेंस और क्लिफ्टन वाले वो लोग हैं कि जब आयशा मंजिल पर जलसा था तो एक दूसरे को मैप भेज रहे थे गूगल का, आयशा मंजिल यहां पे इन केस यू गेट लॉस्ट यू नो. बफर जोन में कई खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट भी खेली जाती है. बफर जोन ने हमें कई बड़े बड़े नाम दिए, 5-6 तो मुझे मालूम नहीं, 7वां याद है सरफराज. और ये बड़ा बड़ा आम जुमला वहां पे, अबे काले अबे ट्रक के नीचे आ जा. मुझे नहीं मालूम, देखिए अगर साउथ अफ्रीका वालों को बफर जोन के इखलाकियात का इल्म नहीं है तो गलती साउथ अफ्रीका वालों के की, वरना नेल्सन मंडेला के शहर में खड़े होके किसी को काले कह देना कोई ऑफेंसिव बात थोड़ी है. ये कराची वालों के खिलाफ आईसीसी की साजिश है. गाजी साहब सीख गया हूं मैं, देख रहे हैं. इसके अलावा इस शहर में कई और दीगर अफराद भी हैं.
यहाँ एक पार्टी है जो अरसा दराज से यहाँ मुकीम है, लियारी में बनी, अब पूरे सिंध में फैल चुकी है, एक ज़माने में पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में था। अदबी मेलों में मौजूद शुरका की और स्टेज पे बैठने वालों की अक्सरियत उसी पार्टी के हक में ज्यादा दौर में मारे खा चुकी है। इस पार्टी को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। आजकल इस पार्टी को पी 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 कहा जाता है। ये हर पी की एक अलग लफ्ज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। इस पार्टी के अंदर इन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों में अचानक कराची पे फोकस किया और शहर का नक्शा बदलना शुरू है, जो खुदा लगती बात है, सही कहना चाहिए, सच बात कहनी चाहिए कि शहर का नक्शा बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। आप देखें, मुराद अली शाह साहब के घर के सामने वाली सड़क पे नए पोल लग गए, आप देखें वो शहर दाखिल होने से 8 किलोमीटर पहले आपके दाएं हाथ पे एक अजीमुशान बहरिया टाउन बन गया। ये पहले कभी भी नहीं हुआ, ये ना कोई सोच सकता था कि एक कोस्टल शहर बीच सहरा में कोई ले जाके कैसे बसा सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। मेरे घर में एक कारपेंटर काम कर रहे थे, मैंने उनसे कहा भाई आप कहाँ काम करते हो, जी आपने बड़े हल्के कपड़े पहने हुए थे, वो क्योंकि आजकल अभी हवा चल बख्शवा चल रही है तो काफ़ी डेंजरस है, मैं देख रहा हूँ लोग कंबल कंबल के ऊपर, डफल डफल के ऊपर, कंटोप कंटोप के ऊपर, हेलमेट हेलमेट के ऊपर, खुद अपना मतलब बच्चा बिठा के आ रहे कि हवा ना लग जाए, बच्चे को भले हवा लग जाए, बच्चे को फ्रंट सीट पर साइकिल पर बैठाया, बच्चा सर्दी में ठटर रहा है, बजी खुद बच्चे के पीछे आ रहे हैं। अच्छा, ये भी पुल पार वाली साइंस है, ये भी जो डिफेंस क्लिफ्टन वाले ये नहीं समझेंगे। तो एनीवे, वो उसने मुझे बताया, मैंने कहा भाई आपने इतने हल्के कपड़े क्यों पहन रखे, सर हम बहरिया टाउन में काम करते हैं। मैंने कहा तो क्या फ़र्क पड़े, कहते सर वहाँ मौसम बदला है, उधर गर्मी होती है, कराची तक आते आते सर्दी हो जाती है। मैंने कहा वो भी बहरिया टाउन कराची के नाम से, उसने कहा सर वो आप नहीं समझते, हम यहाँ के रहने वाले हम जानते हैं, ये इस शहर में ये तब्दीलियाँ पहले कभी नहीं आई थी। आजकल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मुझमें कुछ मुमासलत करार दी जाती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ओह थैंक यू, आप सब की बहुत बहुत शुक्रिया। अजान। थर में भी उन्होंने को 160 डैम्स बना दिए, पता नहीं सच्चा है झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल बना दिए होंगे। तब वो बतखें वहां भी जाती होंगी, हब डैम में भी जाती होंगे। अब देखो उसमें कितनी, आप देखें रिजेंबलेंस कितनी ज्यादा है, कि खासतौर पर वो बच्चियां वो बच्चे जो अभी इंजीनियरिंग करके निकले और अभी उन पर ताज़ा ज़कात बनती है, क्योंकि ज़ाहिर रोज़गार तो मिलना तुम्हें कोई नहीं। हम भी खुद इंजीनियरिंग पढ़े हुए, कितने फ़ख्र से हमारा तारुफ कराएगा ना, वी स्टडीड इंजीनियरिंग एंड देन लेफ्ट द फील्ड, इसलिए क्योंकि जॉब कोई नहीं थी। सीधी सी बात। अच्छा आप भी इंजीनियरिंग पढ़े हुए, अच्छा शक्ल से लग रहे हैं वैसे थोड़ा थोड़ा ठीक। एनीवे, तो वो लड़के जिन पे ताज़ा ताज़ा ज़कात बनती है, माओं का ख्वाब होता है इधर बेटा डिग्री लेगा, इधर मैं इसके लिए अच्छी सी दुल्हन भी ले आऊँगी, इन्हीं इन्हीं ने तो इसी तरह कोई FA FSC की भी ताज़ा बतख सॉरी बच्ची एक ही बात है, वो आती है किसी शादी में एक डांस प्रिपेयर किया हुआ, होना तो ये चाहिए कि इस डांस से जो वो उनका पोटेंशियल हस्बैंड है वो देख के उनको पसंद करे, लेकिन होता ये है कि यहाँ सिस्टम उल्टा है, यहाँ आंटियाँ बच्चियाँ ताड़ती हैं। खूब उनके ना मतलब डांस स्टेप से कैरेक्टर जज करते हुए, माँ को देख के हाथ का जायका जज करते हुए, घूम फिर के किसी अल्फा बीटा गैमा के थ्रू एक पैगाम भिजवाती हैं कि एक आंटी एक नामालूम आंटी आएंगी, आके साथ बैठेंगी, बेटा तुम कितने बहन भाई हो। ऐसी तमाम बच्चियों को मैं कह रहा हूँ कि अपनी आज़ादी सलब होने नहीं देना, लिव योर ड्रीम्स ऑनेस्टली। और इसका तरीका बताता हूँ, सीधा से कह दो कि आंटी हमारे तो घर के हालात बहुत बुरे हैं। पूछे क्यों, चचा भी गायब है अब्बा भी। मैं दावा करता हूं उसके बाद आंटी नजर भी नहीं आएंगी, कम से कम अगले 5 साल। 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, जाहिर है पॉलिसी चेंज हो जाएगी, लोग फिर आ जाएंगे, तब तक लिव योर ड्रीम। शादी के बाद तो वैसे भी फिर आपको पता ही है, यू नो
हम मशरकी लोग, हमारे अपने कुछ मसाइल हैं, हम उससे ज़्यादा बाहर नहीं सोच सकते। मसलन औरत को काम करना चाहिए, औरत को बाहर निकलना चाहिए, औरत शुड लिव हर ओन लाइफ, उसकी मर्ज़ी है वो बच्चे पैदा करे या ना करे, ये बातें हमारे यहाँ सेकेंडरी हैं। पहली बात ये कि वो फलाने वालों की बहू आई थी, उसका तो एक साल में बच्चा हो गया, तुम्हारे 4 घंटे हुए अभी तक नहीं हुआ। वो आती है ना सुबह सवेरे, कुछ खुशखबरी, अबे क्या खुशखबरी है, अंडरस्टैंडिंग। ये तो ये जनरेशन गैप है, ये बहुत तेजी से फिलअप हो रहा है। अब लोगों को टाइम लगता है हमारे जनरेशन के मसाइल समझने में, लेकिन मैं आप लोगों के बाद लिव योर ड्रीम, अपनी अपने आप को मजबूत करें, और अपने जीवन साथी का इंतखाब आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, ये किसी दूसरे का काम नहीं। एनीवे, लेकिन जो सोशल प्रेशर है वो बहरहाल अपनी जगह है। तो कराची में जब से ये मैंने शादी हॉलों का ये सारा सिलसिला देखना शुरू किया, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये आज माशाल्लाह इतवार का दिन है, 8 बज गए, आप सबके सब यहीं हैं, कोई शादी में नहीं जा रहा, कोई इनवाइटेड नहीं है। अच्छा 11 बजे, अच्छा हॉल गिराने वाले से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही है सर मुझे लगता है, ठीक, मतलब यहाँ से उठ के शादी में जा रहा है, चले ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा फिर इसका मतलब मैं यहाँ लोगों को जानता हूँ जो मुझे अभी तक किसी ने इन्वाइट नहीं किया, या शायद लोग इसलिए इनवाइट ना करते हों कि कहीं दुल्हन का ईमान ना बदल जाए। और उसी वक्त कोई अमरेश पुरी साहब आए, जाओ सिमरन जाओ, जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा अमरेश पुरी साहब भी बड़े अजीब आदमी थे ना, मतलब या तो वो फिल्म क्या थी, जब भी मैं कोई गोरी तितली देखता हूँ ना बाथर, मेरे मन में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकते हैं, या तो उनके ये डायलॉग्स थे, या जा सिमरन जा। अच्छा उनके ये बड़ी अजीब सी बात है ना, हमने तो आपको पता होगा ना कि वो जब जिना फिल्म बनी थी तो हमने उन पे ये एतराज लगा दिया था कि ड्रैकुला का किरदार अदा करने वाले को जिना का किरदार दे दिया, उम्मत की इतनी बड़ी हेडलाइन थी। आप में से कोई उम्मत पढ़ता ही नहीं होगा, एक अखबार का नाम है, जो पुल से उस तरफ वाले उनको तो नहीं पता, जो पुल से इस तरफ वाले तुम तो जानते हो। एनीवे इतनी बड़ी हेडलाइन थी उसमें, उसकी वजह से फिल्म को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो लोग कोई भी कैरेक्टर कर लेते हैं बड़े सुकून से कर लेते हैं, और उसके बाद अगला कैरेक्टर टोटली ऑपोजिट कर लेते हैं, और उसके बाद इतनी ठंडी इतनी बर्फीली एक्टिंग करने के बावजूद एक फिल्म आती है उसमें वो तख्ते पलटा देते हैं। हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अभी बहरहाल वो हालात नहीं हुए, लेकिन जैसे आता ना शाहरुख खान ने एक फिल्म में किया ना बाजीगर में बाजीगर, उसमें वो उसने काला मास्क पहना हुआ, लेंस लगा लिए, बाजीगर पहचाना नहीं जा रहा असली कौन है नकली कौन है। मैं भाई दो यानी शाहरुख खान फैंस है, बड़े थोड़े हैं तादाद में, चेंज द टॉपिक। अच्छा नहीं, अच्छा थोड़े हैं, चलो ठीक है, चलो जो शाहरुख खान फैंस है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि शाहरुख खान जो है ना वो एक कैफियत का नाम है, वो कभी कभी हुमायूं सईद पे भी तारी होती है और साहिल लोधी पे तो रहती ही है। हमारे एक टीवी प्रेजेंटर है आमिर लियाकत हुसैन, हालांकि इन दो बातों का कोई ताल्लुक नहीं आपस में, आप कुछ जोड़ रहे हैं, मैं अलग बात कर रहा हूं कि वो एक रमजान ट्रांसमिशन करते थे पिछले साल नहीं हुई, बात ये कर रहा हूं, आप लोगों ने बिला वजह था बात से बात जोड़। मुझे एक पार्टी में नजर आए, पार्टी मतलब जरूरी नहीं हर पार्टी पार्टी, और सियासी पार्टी को भी पार्टी कहेंगे ना, मुझे एक सियासी पार्टी में नजर आए, बढ़ चढ़ के उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद एक साहब है हमारे मासूमाना सवाल फेंकने वाले, उन्होंने पूछा तो आमिर भाई आपने फैसला कर लिया अब आप नहीं करेंगे पार्टी में नहीं जाएंगे। अच्छा मैं सियासत छोड़ चुका हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ सियासत। अब मुझसे बात मत करो, वो फिल्म तुमने देखी है गालिब? नहीं 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 नहीं, देखो तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। अब वो आजकल बढ़ चढ़ के इमरान खान साहब के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, हक बहकदार रसीद, बहुत खुशी होती है मुझे ऑनेस्टली। आमिर साहब इतने कीमती इंसान है, वो दूसरी किसी पार्टी में आना अफोर्ड नहीं कर सकते, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कोई दूसरी पार्टी रख ही नहीं सकती उनको। एनीवे मेरा ख्याल में ज्यादा बैंटर हो गया। रमजान ट्रांसमिशन और इन सब के दौरान में हमने एक नई जोहद देखी मीडिया एंकर्स की,
अच्छा आजकल मीडिया वाला कोई देखो ना तो उसको भी इंजीनियर ही समझा करो, उस पर भी ज़कात वाजिब है। कम से कम 4 महीने का बैकलॉग उसका पड़ा होगा बैंक में, और वो ये वो तनख्वाह है जिसका वो मुंतजर है, वो आती नहीं है। तो अब लोगों ने तनख्वाहें निकालने के लिए कुछ नए नए तरीके ईजाद करने शुरू किए, और वो ये है कि वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव होता है वो उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, और उनको लगता है इसको नैरेटिव को प्रमोट करने से चैनल को बिजनेस मिलेगा, हम चैनल के लाडले बन जाएंगे, हम चैनल के लाडले बनेंगे, अचानक हमारी तनख्वाह आ जाएगी, बाकी लोग जाएँ तेल लेने। तो वो इस किस्म की होती है कि जैसे एक वो दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम लगता है ना जिसके अंदर वो हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, अयाज अमीर साहब बैठे होते हैं मिलके, और एक खातून बीच में वो मॉडरेटर का किरदार अदा कर रही होती है, ख्वातीन हजरात मेरी जानेब नीले कच्छे में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, लाल कच्छे में मौजूद हैं सलमान गनी साहब, फाइट। इलेक्शन से पहले तक ये हाल था, खुदा का खौफ करे क्या कर लिया आपके नवाज शरीफ ने, इसके पास तो अपनी कोई टाइटल डीड तक नहीं है, क्या आ गया कि कराची के हालात ठीक हो गए, मोहम्मद बिन कासिम ने भी तो फतह किया था, हर बात का क्रेडिट नवाज शरीफ को क्यों देते हैं, कोई शर्म करे कोई हया करे। उसके जवाब में सलमान गनी साहब एफर्ट करते थे, फिर प्रोग्राम बंद होता था, शामी साहब का प्रोग्राम आता था, देखिए तो बड़े खूनखार मसाइल हो गए, बड़े पेचीदा मसाइल हो गए, अब तो मुझे लगता है कि सलमान गनी साहब को फौरन से पेशतर इस्तीफा दे देना चाहिए, अब उनसे मियां साहब का दफा मुमकिन नहीं है। उन्हीं के साथ साथ एक और साहब भी आ गए, उनके घर के बाहर शायद कोई सड़क पड़क नहीं बन रही थी, ये मजाक नहीं कर रहा बच्चों में, ये संजीदा बात है, हसन निसार नाम है उनका। हसन निसार साहब का एक पर्टिकुलर तज्जिया होता है हर चीज के बारे में, आप सवाल करें ना करें। एक दफा ऐसी की तरह वो मैं मेरे शो में बैठे हुए थे, वो पता नहीं कौन सा शो था, उसमें बैठे हुए थे वो, और आमने सामने सवाल हुआ, मैंने कहा जी इसका इस पर आपका क्या तज्जिया है, वो पता नहीं शायद कहीं और फोन वोन पे बात करते, ओ मैं कहता हूँ इन लोगों की शलवारें उतारनी चाहिए, इनको कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए, ओ ये भेड़िए। अब उसके बाद वो उन्होंने मेरे ख्याल में शायद इवल डेड 5 साल बैठ के अकेले रिपीट पे देखी है, तो जो गोर और वायलेंस उसके अंदर लाते हैं वो कोई बिल्कुल ही दीगर नौइयत का होता है। भेड़िया पहले पेट फाड़ता है, पेट फाड़ के वो फिर अंतरे नोचता है, आंते नोच के वो आपको सिसक सिसक के मरने के लिए छोड़ देता। सर लेकिन बात में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम क्या कर रहा था, और मेरा यही तज्जिया होता है आगे जो मर्जी लगा दो, मैं परवाह शरवाह नहीं करता। आप बहुत सारे लोगों ने इसको मजीद लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने एक सोशल मीडिया सेल पकड़ लिया, कुछ ने दूसरा सोशल मीडिया सेल पकड़ लिया, लेकिन इसमें जो 2 किंग हैं मेरे ख्याल में प्राइम टाइम शोज के, वो एक हमारे कामरान खान साहब हैं और एक हमारे शाहजेब खानजादा साहब हैं। और कामरान खान साहब बिजनेस के ऊपर जो मालूमात लेके आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, दिन भर की अहम तरीन खबरों तबसरों तजियों के साथ मैं हूँ कामरान खान, हकूमत की माशी पॉलिसियों के समर आवाम को मिलना शुरू हो गए, जी हाँ माशी पॉलिसियां हकूमत की इस कदर शदीद है कि पेट्रोल 5.6 पैसे सस्ता हो गया, कयामत है सोरा, रेटिंग नहीं आ रही, कुछ बड़ा कहना पड़ेगा इस बारे में, आप क्या कहेंगे फलाना ढिमकाना साहब। अच्छा फलाना ढिमकाना साहब कोई भी होते हैं, वो आके एक कहानी सुनाते हैं, फिर उसके बाद के साहब उसके ऊपर एक नया तज्जिया देते हैं, लेकिन के साहब की मौजूदगी की वजह से कई लोगों की जॉब्स बची हुई हैं, उन लोगों ने एक पूरा नैरेटिव बचाया हुआ है, कई लोगों में जो जानते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को वो वाकिफ हैं कि उन्होंने किस तरह से एक नैरेटिव को एग्रेसिवली और बड़े बैलेंस के साथ चलाया है। और मेरे ख्याल में जो नए आने वाले एंकर्स हैं, मैं खुद तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक 12-13 साल हो गए एक इंडस्ट्री में काम करते, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भाई इन लोगों से थोड़ा बैलेंस सीख लो, नैरेटिव भी चला रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, और सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। उसके जवाब में एक और लोग हैं जिनका नाम है शाहजेब खानजादा, खवातीन हज़रात बात ऐसी है कि बात यह है कि नवाज शरीफ के निकले थे फ्लैट, उन फ्लैटों के ऊपर अदालत ने जब लिस्ट मांगी तो लिस्ट नहीं थी, जब मनी ट्रेल मांगी तो ट्रेल नहीं थी, जब मरियम नवाज साहिबा से पूछा उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फ्लैट हमारे हैं, लेकिन जब उससे बाद में अदालत ने लिस्ट मांगी तो उन्होंने कहा ये भी मेरे नहीं है, उसके बाद उनसे पूछा ये भाई आपके, उन्होंने कहा शायद कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे,
इत्तफाकिया किसी ने फ्लैट पकड़ा दियो तो कुछ कह नहीं सकते. और वो एक अपना नैरेटिव लेके, लेकिन शाहजेब की वजह से भी बहुत लोगों की जॉब्स बची हुई, बहुत लोगों ने उनको देख के बचा लिया. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं सुधरे. उनमें एक हैं औरिया मकबूल जान साहब. देखें देखें ये कैमरामैन की निगाहें किस कदर होलनाक हैं, किस कदर होलनाक हैं. फहाशी और यानी फैल रही है. आप कसाब खानों को देखें, कसाब खानों में फहाशी और यानी फैले. मैंने कहा जी क्यों कसाब खानों में फहाशी और यानी? मुर्गियां बरहना लटकी होती है. मुर्गे हों तो चले समझ भी आता है. ये सहाफत पे माशाल्लाह जो आज उफ्ताद पड़ी है, ये एक दिन में नहीं हुआ. ये इसके पीछे एक पूरी कहानी है. और ये कहानी में ऐसे कई किरदार हैं जिनमें से कुछ का मैंने जिक्र किया. एक साहब का जिक्र किए बगैर बात बनेगी नहीं. वो मुल्क से बाहर तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं. उनका नाम है जावेद चोई साहब. अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपको बताऊँगा. अच्छा, कहानी कोई भी नॉर्मल सी उठा के उसमें नसीम हिजाजी वाला पोस्टमार्टम डाल के और उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके चश्मदीद गवाह बन जाते हैं वो जावेद चोई साहब. अल्लाह उनको खुश रखे. बहुत माशाल्लाह, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम है. एक दफ़ा का जिक्र है, किसी कुत्ते को कहीं से गोश्त का एक डला मिला. वो उसे मुंह में दबाए चला जा रहा था कि उसके रस्से में एक दरिया आ गया. कुत्ते की आगे ठेकेदार से सेटिंग थी. उसने दरिया के ऊपर पुल बनवाया. आज उस कुत्ते की न्यूजीलैंड में बिल्डिंगें हैं. वहां पे सारे उसको अंकल टॉमी कहते हैं. इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा. बात बनेगी नहीं जब तक यहां पे ओमनी ग्रुप डिस्कस ना हो जाए. आपकी क्या मजाल क्या आप हमारे शहर में आके ओमनी ग्रुप डिस्कस करें. बड़ी 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 फ्लाइंग किसें देख रही हैं. कईयों की फ्लाइंग किसों पे दिल आया है. बखुदा किसी पे अगर उपकाई आई है तो वो ये वाली है. दोनों हाथों से. और आपको शायद पता ही होगा, बहुत मशहूर हमारे कॉमेडी, बहुत 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 मशहूर हमारे सिंध के, हमारे क्या नाम था उनका, कायम अली शाह. बहुत हमारे मशहूर सीएम गुजरे हैं, उन्होंने भी बड़ी खिदमत दी है. सर आपकी यहाँ पे 15 साल से हुकूमत है. आपने यहाँ 15 साल में अभी तक कोई ऐसा खातिर खा काम नहीं किया जिसकी वजह से सिंध के लोगों का कोई लाइफ स्टाइल बेटर. वजह लगता है कि आपको कुछ इमदाद की ज़रूरत है. सर मुझे इमदाद की कैसे ज़रूरत हो चुकी. बेटा लगता है आपका कहीं प्लॉट श्लॉट नहीं है. सर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे है वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है. बाकी तो आप समझदार हैं. बेटा देखिए, हम आपके लिए आज एक नई चीज लेके आए हैं. हमने सिंध में पिछले 8 सालों में वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका. मैंने कहा क्या. हमने ऐसी बिरयानी ईजाद की है जिसकी माइलेज एक बिरयानी में 8 घंटे की है. मैंने कहा मतलब. आप देखिए गड़ी खुदा बख्श में जब आप आते हैं पूरे सिंध से लोग आते हैं, एक डब्बा बिरयानी में 8 घंटे डांस चलता है. हम दावा करते हैं कि ये माइलेज किसी और बिरयानी में नहीं है. मैंने कहा सर बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, बात तो बिल्कुल सही है. एक साहब जिनके बगैर मेरे ख्याल में गुफ्तगू तमाम नहीं होगी, उसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा. बुजदा हमारे ताज़ा ताज़ा सज़ा याफ्ता, और ऐसी सज़ा उनको हुई है कि वो दिन में दफ्तर जाते हैं, दफ्तर के बाद वो बाहर अपने जो दफ्तर से मुल्हिका उनका घर है वहाँ पे कुछ देर गुजारते हैं. वो घर उनका जेल है. उस जेल के आगे जो पार्क है वो भी उनका जेल है. पार्क में वॉक करते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, जहाज़ में आते जाते हैं. मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जनाब शहबाज शरीफ साहब की. आपको बड़ी खुशी हुई है. आपको ऐसे खुशी हो रही है जैसे मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा बल्कि बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूँ.
शबाज शरीफ साहब से अगर पूछा जाए, सर इकोनॉमी को ठीक करने का कोई एक तरीका बता दें जिससे इकोनॉमी ठीक हो जाए। लैपटॉप। नहीं सर, लैपटॉप आजमा लिया, नहीं कर रहा काम, अब क्या करें? मेट्रो बना ले, अंडरपास बना ले, फ्लाई ओवर बना ले। सर लेकिन मेरे ख्याल में मसला तालीमी निज़ाम का है। जब तक तालीमी निज़ाम हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं होगा, हम कभी भी अपनी नई आने वाली नस्ल को करेक्ट साइड ऑफ हिस्ट्री बता नहीं पाएंगे। कोई मसला नहीं, स्कूल के ऊपर फ्लाई ओवर बनवा ले, इससे ज़्यादा तालीम की खिदमत क्या हो सकती है। मैंने कहा सर बात तो बड़ी अच्छी है आपकी, लेकिन आज आप लोगों का नैरेटिव थोड़ा चेंज हुआ है। मैं देख रहा हूँ आप लोग अब वो वाले एग्रेसिव लोग नहीं रहे जो पहले होते थे। किसने कहा कि हम वो एग्रेसिव लोग नहीं रहे? आज भी हबीब जालिब की गजल आपको सुना सकता हूँ, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, ये नज़म उन्होंने आपके लिए लिखी थी। इतनी ज्यादती ठीक नहीं है जालिब की रूह के साथ। ख़वातीन हज़रात, दिस इज शफ़ात अली साइनिंग ऑफ फ्रॉम अदब फेस्टिवल 2019. थैंक यू वेरी मच अमीनावा फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।